जो डॉक्टर है, तो एक बार अभी सब होलू के उसमें है, शी इज अवर आंटी, डॉक्टर आंटी है सुलेख अंकल, शी इज हेलो, गायनेक जय जीरन, और जय अंकल जीरन, मेडिकल जय सर्जन, जीरन, आप इंदौर में जय बेस्ड हैं जीरन। और ये अभी यूएस से आ रहे हैं, अच्छा, इनकी और ये हमारे फादर डॉक्टर जीवनलाल जैन जी सुलेख अंकल, शुगर अंकल के लिए। जय जीनेन्द्र भाई साहब, नमस्कार। जय जीनेन्द्र भाई साहब, आपको देख के, आपको मिलके बहुत खुशी हुई। यहाँ पर भी सेम थिंग है, खास तौर से आज होली वाले दिन। जी, आपका मंदिर में अंकल नागपुर में है ना? डैडी ऑल इंडिया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, अच्छा, और ये सैन डियागो से आई है, शी इज हेलो। वर्किंग जय इन जय भाई, जय हॉस्पिटल, जय जय एंड मेरी दोनों भाभियां, जय ये भी सर पीएचडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनके जीवन हब्स करके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, डॉक्टर राजश्री जैन आनंद भैया जय जीरन, जय आईआईटी, जीरन, आज सब होली पे ऐसे ही चल रहा है जय। आपको। आंटी, मैं दर्शन करा दूँ मंदिर के? मंदिर हाँ, मैं भी करा रही हूँ सर को, एक जनरल में अपना घर दिखा रही हूँ, मेरा रेसिडेंशियल होम सागर का, आप नागपुर तो आए हैं सर, आई एम जस्ट टेकिंग यू अराउंड खाए मंदिर भी। आए 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 नहीं, आपके घर खाना भी खाया था, आपने काफी सेवा भी करी थी, और रामटेक भी लेकर के गए थे हम। हाँ, जी सर, वो सर नागपुर था, ये मैं अभी अपने पेरेंट्स के प्लेस में हूँ, मायके अच्छा, में, जब तो पेरिस के प्लेस में, आपको, कहाँ हाँ पर ये आए? सर मैं अपने फादर इंदौर में? हाँ, को मिला है ना, मेरे फादर डॉक्टर पर कहाँ पर? इंदौर में? सागर सर, वो चाची जी इंदौर से आई है, सागर अच्छा, ओके। सर, ये मेरी मॉम का मंदिर है, और अभी थोड़ी देर बाद आपको बड़ा मंदिर भी दिखाऊंगी, और जस्ट आई विल टेक यू अराउंड, ये हमारे दादाजी है सर, एंड ये सब जो स्टेन ग्लास है ये हमने और भाभी ने बनाया हुआ है, ये सारा बुद्धा वगैरह का हमारे खुद का बनाया हुआ है, ये हैंड से स्टेन ग्लास के पूरे पेंटिंग सर, और वेरी आई वेरी जस्ट टेक यू इम्प्रेसिव, अराउंड, ये मैं वेरी सर, शी इज इम्प्रेसिव। माय मदर, मदर जिनकी वजह से ये बक्सांबर, शी इज माय मॉम, नाउ शी इज नो मोर, लेकिन इनकी वजह से भक्तांबर इज हियर, और वो मेरे दादाजी, और आई विल टेक यू अराउंड बाहर का भी, ये छोटा सा यहाँ पे गार्डन है, और ये सब ओह, बच्चे वाह, यहाँ पे, हाँ ये सब बच्चे यहाँ आए हैं होली मनाने, वेरी सो नाइस, आवर दिस इज डायरेक्टर ऑल यंगस्टर्स, ये सब होली के लिए दे आर ऑल रेडी, सो सर इज फ्रॉम जेना कन्वेंशन एंड ही इज द पर्सन हु प्रमोटेड इंटरनेशनल स्कूल फॉर जेन स्टडीज इन यूएस, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर ही हैज वर्कड लाइक फॉर इयर्स, टू फ्रेंड्स स्टार्टेड टू ब्रिंग लाइक अमेरिकन्स टू स्टडी जेनिज्म, एंड फर्स्ट ईयर दे ब्रॉट सिक्स स्टूडेंट्स, एंड नाउ देर आर मोर देन 100 स्टूडेंट्स एवरी ईयर फॉर अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी प्रोग्राम, सो लाइक नाउ दे पे $800-900 टू कम हियर एंड लर्न जेनिज्म, सो ऑल द क्रेडिट गोज टू सुलेख अंकल हु हैज, जेना हैज डोनेटेड मोर देन $50 million इन 125 यूनिवर्सिटीज अक्रॉस अमेरिका ड्यू टू सुलेख अंकल एंड शुगन जैन सर इन दिल्ली, सो आई विल आस्क अपर्णा टू ब्रीफ अबाउट सर, दीदी प्लीज यू डू दैट प्लीज, या नो नो यू ऑनेस्टली नो सीरियसली यू डू और दैट, नो व्हाट एवर आई एम बिकॉज ऑफ सुलेख अंकल एंड शुगर अंकल, एंड फॉर एवरी जेना कन्वेंशन ही रिलीज्ड माय बुक, फर्स्ट बुक साधक ऑन 16 एसेंशियल मॉरल वैल्यूज ऑन आचार्य विद्यासागर जी, सेकेंड बुक ऑन जेना मेथड ऑफ क्योरिंग इन जेना कन्वेंशन विद निर्मल सेठी जी, एंड देन अगेन सिद्धार्थन, सो एंड वी कुड टीच टू
people, teachers ready for world peace, 6th shloka for IQ and memory enhancement because of International School for Jain Studies. And when I released my mute clay, biopic of Acharya Vidyasagar ji in English in 10th, on 10th anniversary of International School for Jain Studies. And at that time, Dr. Shugan Jain sir had appointed me first director of ISJS, and over there, Professor Chris Chappell was there, and more than 120 students were there of undergraduate, postgraduate, and Indu Jain Times of India had come. Like, she invited us and she released Mute Clay. So all my books have been published under the banner of International School for Jain Studies, Jainji. And we have signed MOU with Kulguru Kalidas University, which is 100 year old, under the guidance of Dr. Shugan Jain. And Professor Chris Chappell had visited that university and we had conducted program under ISJS banner and signed MOU with such a prestigious university where governor comes to give degree. And they have all engineering. It's a huge campus. And again, they have got 50 acres of land and some budget has been sanctioned under Ayush Ministry for Yoga and Meditation. And one more development about ISJS, that we conducted program at Symbiosis in Nagpur, which has come in 75 acres of campus. And in near future, we will get a land near that Symbiosis for our university, ISJS. And we have signed an MOU with Integrated Healing Forum, where Dr. Surinder Das is president. He is heading a global wellness forum where there are 1,000 principals and from 45 countries, various energy healers are there. So we have signed an MOU that was signed 10 years back with ISJS, where we conduct programs which are certified by Kulguru Kalidas, mantra healing course for 6 months, then diploma course on alternative medicine for 1 year, and many other. We have proper syllabus, and now that 26 PhDs have been done under various shlokas, Meher Mooz, our vice chancellor, who's representing United Nations, she wants PhD on all 48 shlokas. So I would request sir to motivate people in US also to pursue PhD, because 26 have been done, but the rest of the shlokas are balanced. So over to Aparna to give a brief introduction about sir. Aparna, Vinci. Sir, Vinci, hi. You will introduce. Formal introduction, can you read? Just take it. Aparna, you are muted. Aparna? Okay. Okay. I'm going to read. Dr. Sulekh has been active in many religious and social activities within the Jain and non-Jain communities in the USA and Canada. Dr. Jain is the founder, co-founder of more than a dozen organizations and institutions in North America, namely Jain Center of Greater Boston, Jain Society of Houston, Jain Digest Magazine, Jaina Library, Young Jains of America, Jain Center of Central Ohio at Columbus, Jain Academic Foundation of North America, Mahavir Vision INC, Jain Spirit International Magazine, World Council of Jain Academics, JVB Preksha Meditation Center in Houston, and International School for Jain Studies, ISJS, in 2004. Dr. Jain is the past secretary and president of Federation of Jain Associations in North America, JAINA, Jain Society of Houston, Jain Center of Cincinnati, Dayton, and several other organizations. Currently, he is associated with the International School for Jain Studies and was a board member of Mahatma Gandhi Library in Houston, Texas. Sulekh Jain authored a 328-page book titled An Ahimsa Crisis, You Decide,
He has also written more than 60 articles on Ahimsa, Gandhi and Jainism. Uncle, it's a huge privilege that I'm reading all this for you. But, I mean, it's just amazing. The International School for Jain Studies, which he co-founded in 2004 to educate and train scholars in Jainism, has been instrumental in changing the face of Jain academic studies in North America and Europe by educating and training more than 800 undergrad, grad, doctoral, and full-time faculty. Jain academic studies are slowly now finding welcome mats at many colleges and universities here in USA and Canada. He has traveled extensively in India, UK, Europe, Asia, Australia, and New Zealand, met many Jain leaders world over, and participated in several seminars and meetings. In 1990, he led a US Jain delegation to Buckingham Palace in London for a meeting with HRH, Duke of Edinburgh, and participated in the Parliament of World's Religions Conference in Chicago in 1993. Professionally, Dr. Jain has a PhD in mechanical engineering and an MBA. He has taught at several universities in USA, including at MIT as a guest lecturer, Canada, UK, and India. He retired in 1998 from GE Aircraft Engines in Cincinnati, Ohio. Dr. Jain has 9 US and international technical patents and has authored more than 50 technical papers. He was an international consultant in technology and was the vice president of Metal Working Consultant Group. For a few years, he was also a consultant to NATO on their Science for Peace program. Dr. Jain has won awards from commercial, professional, and religious organizations, particularly the Jaina Ratan Award, highest award by Jaina, Award of Excellence by International Jain Sangh of New Jersey, USA, and from Jain Society of Houston, Texas. Currently, his only passion is to facilitate the establishment of centers for Jain studies in academia. Sulekh Jain and his wife, Ravi Jain, have been active in many Indian and non-Indian organizations such as Vegan Society and others. Currently, they live in Henderson, Nevada, a suburb of Las Vegas. Previously, they lived in Sugar Land for 25 years. Wow, great achievements. Indeed, great achievements. Auntie? Manju auntie? Aparna, the auntie is not there? No, she's here. I think she's there. Main darshan karwa deti hu mandir ke. Mandir mein baithi hu main. Okay. Let's start. Okay, ready? Yes, sir. Please wait for a minute. Manju auntie? Haan. Adinath. Haan. Jai Jai. Namaskar Bhagwan Ji Ki Jai. Chalo. Okay, sir, over to you. First of all, Aparna, तुमने तो पूरी मेरी किताब ही पढ़ दी, मेरा खैर अब लेक्चर की जरूरत नहीं है. अंकल, मैं तो वही सोच रही थी कि तो पढ़ने में इतना टाइम लग गया. ओ माय गॉश, मैं कहा करने में कितना लगा. हाँ, करने में अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे किसी के लिए रीड किया इतना. ओके, लेट्स हैव सम फन. हैप्पी होली टू एवरीवन. कन्फ्लुएंस ऑफ ब्यूटी, confluence of, you know, good days ahead, and probably out of the COVID and corona, the corona that's going on, this is a very welcome sign about the Holi. So I wish a happy Holi to all of you. So I am so very grateful to Manju, whom I met about maybe 12, 13 years ago, came to her house and she welcomed us, and then we went to Ramtek, came back, and it was a wonderful visit. And since then, I think we have met a couple of times. So Manju, thank you, appreciate. Also, let me
Can you all hear me okay? Yes, sir. Also, let me also apologize, Michami Dukram Kshmayachana, for the inconvenience last week. What happened was, because of the day and time difference over here, I thought when you people said Sunday in the right, I thought it was my Sunday. Okay. So as you know, right now it is Saturday evening here, and it is a Sunday morning. So that confusion, so I apologize. I hope you will not remember that anymore. Let me just start with something that I would like to share with you. And that Manju very much talked about, but what I'm going to share with you, there are a lot of slides. And my hope is to all these scholars who are doing PhD, I formulated this presentation only for that purpose. So I think there is a lot of background noise coming. Maybe some people should put yourself in mute so that, okay, that's better. Aparna, give me the screen share, please. Hmm? Yes, uncle, you can share the screen. I can share the screen, so I, okay. How do I, Aparna, how do I enlarge it? Oh, here it is. Here it is. And, yeah. Can you all see it? This? Hmm? Yes, uncle. Okay. Yes. I titled this today's talk, Jain Philosophy from Jains and Jain Temples and Colleges and Universities in North America and Europe. And especially I mentioned this, that our journey has just begun. And when I give this talk, please consider that this will very much apply or should apply to India as well. That's where Jainism started long, long, long time ago. So with that, let me, oh, okay. Let me play if I can, if you will play. This is Namo Karmanta prayer. I'm not sure it will play. Okay. What this was, somebody sent me a recorded Namo Karmanta prayer from Jain Center of Boston. And this was about a couple of months ago. I thought I should be able to play. And Uncle, you can click on the play. Where is that? You can do that? No, I can't, Uncle. Can you, Uncle, email that to on me? On the left side, the icon on the left side. Hanji, Uncle, yeah, niche. Where will I find better? Because this is something you would like to know in my talk. Where will I find play? सर कर्सर आप नीचे लाइए ना लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पे आपको प्ले का आइकॉन दिख रहा है ट्रायंगल पे लेफ्ट साइड पे नीचे आइए वेबसाइट पे नहीं और राइट पे नहीं नहीं वो जो आपका मेन स्क्रीन है उसके लेफ्ट की बात कर रही हूँ नीचे या देयर इटसेल्फ वहाँ पे थोड़ा सा देखिए वो प्ले का आइकॉन है एक वाइट ये तो म्यूट है राइट बटन गायब हो गया इट्स राइट देयर इमेज के नीचे अंकल ओ यहां है क्या ये या दैट वन ओके ओके सॉरी जी वाओ हैव टू अंकल ये मंदिर बॉस्टन के
मेरे डैडी भी दर्शन करे हैं इसके अंकल, और वो जो आंटी आए हैं उनका बेटा वहीं रहता बॉस्टन में वो। Very good. Again, Jai Jandar. This is from Jain Center of Greater Boston in Massachusetts. This was one of the first Jain Center in 1973. So that makes it about what, close to 48 years ago. This was established and I lived there for 12 years. What I wanted to show you here, I'm sure you're seeing something and I will be talking about this. On one Bedi, we have Digambar and Jain and Shvetambar Pratima. In every Jain mandir here in America, we have this kind of model, Digambar and Shvetambar Pratima on one Bedi. So we wanted to tell you the kind of Jain Samadhi that we are developing here is non-sectarian. So I will give you some more examples of that. Okay. In this talk, what I will cover is the growth of Jain Sangha in North America, and then how Jaina came about. Then when Jaina came, then we had to think of Jain Pathshala for our young kids who are being born here, or Aparna's husband who came here at the age of one and a half when he was old. So for them, we had to provide facilities for Jain Pathshala. And then we created a huge library that I will show. And then the Jain academic education and its growth. Okay, so if you bear with me, 55 years ago, there were only 200-300 Jains in the whole of North America. And today we have more than 150,000 Jains in US and Canada, and most of them, of course, in USA. What kind of people are these? They are highly educated, very successful and professional. And they are considered first generation like me, second generation, my children, and third generation, their children. Okay, so there's a three generations right here in 55, 65 years. And nearly 50% of or more now are second and third generation. So we are, you know, being replaced by second and third, those people who practically born here or raised there. Second and third generation, mostly born and raised in US and Canada. And please remember, English is the mother tongue of the second and third generation. And their sectarian identities, their differences are disappearing. They will not say that I'm a Digambar, I'm a Shvetambar, I'm a Sthanakvasi, Therapanthi, this. No. If you meet a Jain of the second and third generation, they say, I'm a Jain. Okay. This is very important, very significant. Okay. And let me give you some more statistics. Now we have more than 100 organizations all over, and they're all non-sectarian, except a few only now, only last few years. Otherwise, we made sure that they remain non-sectarian. And generally, none named as Ben or Bhaiyo. Kabhi kabhi beech mein Hindi bolunga, mere Aparna ne bola tha. Ke jitni bhi organization yahan 100 ke kareeb bani hai. एक दो को अभी छोड़ करके किसी में भी दिगंबर श्वेतंबर नाम नहीं है. जैसे मैंने कहा जैन सेंटर ऑफ बॉस्टन, जैन सेंटर ऑफ ह्यूस्टन, जैन सेंटर ऑफ दिस, सब में इस तरह से है. किसी का ये नाम नहीं है कि दिया दिगंबर श्वेतंबर है. और 75 जैन टेम्पल्स यहाँ पर हैं इस टाइम. बॉस्टन का मैंने अभी आपको एक दिखाया. नियरली ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड टेम्पल्स आर नॉन सेक्टेरियन. ओके, तो ये नया समाज जो हम बना रहे हैं उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. एंड ऑल फोर ट्रेडिशन संप्रदायज आर रिप्रेजेंटेड इन सेम प्लेस. उसमें स्थानकवासी भी, तेरापंथी भी, सभी अभी सभी आते हैं. हम वहां जब जाते हैं, वी डोंट गो कि मैं दिगंबर हूँ या श्वेतंबर हूँ. दिगंबर श्वेतंबर पद्मा ऑन वन सेम. एंड मैंने कहा
वी थिंक हार्ड टू फाइंड सिमिलर एग्जाम्पल्स इन इंडिया. मुझे नहीं पता है, मुझे 55 इयर्स हो गए इंडिया छोड़े, मुझे नहीं पता है कि इस तरह के जैन टेम्पल जहाँ दिगंबर श्वेतांबर प्रथमा एक ही जगह हो, एक ही टेम्पल में हो, वो कितनी होंगे. शायद एक दो तो होंगे, पर ये है मॉडल जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया. उसके बाद हमारा नंबर जब बढ़ता गया यहाँ पर, तो हमने 1981 में 40 years ago, we created a Federation of Jain Association in North America. Simple, उसका नाम है जैना. And it is an association of association, it's a federation. Or individual, Sulekh Jain, myself cannot become a member. Jain Center of Boston is a member. Jain Center of Cincinnati is a member. But Sulekh Jain, we individually we cannot become a member because by association we are. And it represents all the Jains in US and Canada. Again, it is a non-sectarian and many broad diverse activities through more than 24 committees, probably 36 now. अगेन जैनियों में इस तरह का कहीं मॉडल सिमिलर पैरेलल एग्जांपल जैन वर्ल्ड में कहीं नहीं, जहां सारी एंटायर जैन समाज का इंडिया में या इंग्लैंड में कहीं ऐसा हो. तो ये भी एक नया मॉडल है. और मैं आपको खाली, अगर क्योंकि टाइम काफी लगेगा, अभी तक जैना के 19 प्रेसिडेंट हो चुके हैं, वो चारों संप्रदाय से आए हैं और इंडिया के डिफरेंट पार्ट से आए हैं. मैं दिल्ली वाला, कोई जो ना बॉम्बे का है, कोई गुजरात का है, कोई कहीं का, तो ऐसा इंदौर के भी आए हैं. तो कोई इस तरह का डिफरेंसेस यहाँ नहीं है. अब व्हेन वी हैव जैना अंडर दैट विदन वी क्रिएटेड वाई जे यंग जैन्स ऑफ अमेरिका. दिस वाज क्रिएटेड आई थिंक अराउंड 1991 और 92 व्हेन आई वाज प्रेसिडेंट. एंड इसमें 14 to 29 ईयर्स ऑफ एज आर मेंबर्स. They are extremely active. YJ stands alone. They have their own convention every 2 years. And in this convention, it is so beautiful that 1,000 youth of that age, they come for 3 days. And a lot of educational activities. And when they were growing up, then we created another organization like Aparna's husband, YJP, Young Jains Professional, age 29 to 45. And they are also extremely active like YJA. So these are something which we did. And so Jaina election, executive committee election every 2 years. And Jaina convention really every 2 years also, 3 to 4 day gala event, and is attended by many Jains, more than 5,000. And there have been as many as 10,000, and many Jain dignitaries come from all over the world. And the president and board members are elected without any bias of any digambar shwatambar ke basis pe. No. So Jaina ke kafi activities hain. Quarterly Jain Digest magazine 1985 se, very beautiful magazine. Weekly newsletter and beautiful Jaina calendar, absolutely great calendar with a lot of beautiful pictures of Jain temples. It's been goes to 15,000 homes free. Jain Avenue magazine started only last year, and we raised a lot of funds here to support Jeev Daya, Jain Sadharmik, Shravak, Shravika, care of sadhus, all kind. Youth exchange from India. During Jaina convention, many youth from India come and they spend 1 or 2 months with us. And many Jaina awards and special recognition that also are given out at this time. So, then we started a Jain Paathshala. Very, very important. Because when second and third generations are growing up, Paathshala is a must, otherwise they will never be Jains again. So Jain Paathshala is a very shining jewel, I call it. And the chair of this Jain Paathshala program, Praveen Shah, he has given Tan Man Dhan absolutely every waking hour. And what did he do? My brothers and sisters, every Sunday, your Sunday, my Sunday will be tomorrow. 4,000 our youth, they attend Jain Paathshala every Sunday in 30 Jain centers, practically at every Jain temple. And we have 350 trained helpers and teachers who are very well versed how to teach. And age group is from 5 to 18. And we prepared special books for them.
16 different kinds for elementary level, for middle school level, for high school level, for college level, for adult level. And so far, those books, these were prepared here in English. And these, we have sold 60,000 copies of those. Of course, they can be available, made free to you. So Pathshala books are non-sectarian again. I'll keep on emphasizing this word, non-sectarian, because in Hindustan, mein sectarianism ki bimari kafi hai. Okay. Then we created Jaina e-library, electronic library. E stands for electronic. Again, Praveen Bhai Shah, who is the chairman, and he again devoted the best of his time. And I will show you this Jaina e-library is used. It is given free completely. And thousands of scholars all over the world, they use this. And what do they do? Jaina e-library contains literature of all the traditions, Shvetambar, Digambar, Sthanakvasi, Therapanthi, Srimad Rajchand, Kanji Swami, Dada Bhagwan, and interfaith literature. You just name it. Okay. And what do we have? We have 5 million pages loaded on Jaina e-library, and this number keeps on growing by about 1,000 every day. 20,000 books are on Jaina e-library, 5,000 article, 1,000 MP audio files, photo library is coming, and they're in English, Prakrit, Sanskrit, Hindi, Gujarati, Kannad. And by the way, 66,000 registered members, they are registered to use this library, and 1 million books and pages have been downloaded by users. These are scholars like you, like many all over the world. So it is absolutely a great treasure. Jaina academic balls at each Jaina convention, a question and answer blogs on a special seminar, workshop on Jain Dharma on internet. So many of these activities take place quite regularly. So when this was happening, now we have our youth, we have Jain Pathshala, we have a library. Now we start thinking that now we should look at the university level. Now we need to take Jainism out of the Jains, out of the temples, out of the Derasar, and share it with the academia, with a lot of universities. There are more than 4,500 universities over here and colleges. So what did we do? 16 years ago, ye hamari situation thi, universities mein. Jainism was hardly known and most misunderstood in the academia. जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी नहीं पता था यूनिवर्सिटीज में कि जैनिज्म क्या होता है. एंड देयर वर हार्डली एनी प्रेजेंस ऑफ जैनिज्म इन एकेडेमिया इन नॉर्थ अमेरिका. किसी जगह नहीं था. क्यों नहीं था? क्योंकि कुछ स्कॉलर नहीं थे जो को पढ़ा सकें, जो प्रोफेसर बन सकें. और जो स्कॉलर नहीं होंगे तो फिर वहां पर जैनिज्म कैसे आएगा. सो जैनिज्म वाज मेंशनड जस्ट एज ए पेरिफेरी, एज ए नॉन वायलेंस की डिस्कशन हुई और फुटनोट ट्रेडिशन, कुछ स्टेटस नहीं था. और मैं अगर आपसे वेरी फ्रेंकली बोलूं, हिंदुस्तान में भी यूनिवर्सिटीज में कोई बहुत बढ़िया सिचुएशन नहीं है. थोड़ी यहाँ से बेटर थी बट बहुत अच्छी नहीं थी. तो क्या हुआ उस टाइम? हमने कहा कि भाई ये तो बड़ा, अगर हमें यूनिवर्सिटीज में जाना है पहले हमें स्कॉलर्स तैयार करने पड़ेंगे, पंडित नहीं, स्कॉलर, हाईली एकेडमिक. ओके. तो उस टाइम शुगन जैन, जो अभी बताया आपको कि शुगन जैन जो दिल्ली में, मंजू ने बताया, उस टाइम मैं और वो मिलके प्रोफेसर क्रॉमवेल क्रॉफर्ड, वी क्रिएटेड इंटरनेशनल स्कूल फॉर जैन स्टडीज इन 2004. एंड नथिंग हैपन्स. ऑनेस्टली व्हाट हैपेंड दैट टाइम, मैं और प्रोफेसर क्रॉमवेल क्रॉफर्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई, वी वेंट थ्रू आउट द कंट्री, मेट मैनी आचार्यज. हम इंदौर में भी गए, जगह जगह गए. तो भाई हमें ये स्टार्ट करना है, तो पीपल वर लाफिंग एट अस. और मोस्टली ये कहते थे कि अमेरिका से कितने पैसे लेकर के आए, यही बात थी और कुछ नहीं. जब हम वापस लौटने वाले ही थे उस टाइम, डॉक्टर शुगन जैन, उन्होंने कहा मुझे एक मौका दीजिए, मैं अपना पूरा तन मन और धन इसमें लगा दूंगा. तो तब से ये हमने शुरू किया और अब देखिए क्या चमत्कार हुए.
International School for Jain Studies is a non-sectarian. Again, word non-sectarian. Baki sectarianism to bahut raha. Is highly academic and economical, and it is university based. Okay, ye university walon ne professor America ke unhone start kiya tha aur unhi ke liye. And foreign scholars, it makes India a classroom. So what they come, the experience based, where the scholars can see, feel, touch, taste and smell living Jain. Wo mandir mein bhi jaate hain, sadhuon se bhi milte hain, wo puja paath bhi dekhte hain, wo jo Jain practitioners hain unse milte hain, politicians se milte hain. So they will see that Jainism is not in books only, it is a religion which is being practiced in India. And ek aur beauty jo humne kari, ke humne apni building nahi banani thi. हमारे सारे रिसोर्स बिल्डिंग बनाने में चले जाते हैं लैंड में. अरे हिंदुस्तान में जगह जगह इतनी फैसिलिटीज हैं, इतने स्कॉलर्स हैं, उन्हीं को ये रिसोर्सेज उन्हीं का यूज करो. और आजकल तो जूम की वजह से और भी इजी हो गया है. ओके, सो इट इज रियली बिकेम ए गेम चेंजर व्हेन आई से नथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट इन द जैन वर्ल्ड एनीवेयर इवन टुडे. आइए जैसा कोई ऐसी संस्था जो ये काम करती हो अभी भी नहीं है. ये बहुत कुछ काम करती है, पब्लिकेशन भी हैं, इसकी काफी सारी बुक्स भी हैं, रिसर्च मैगजीन्स भी हैं, सेमिनार एंड मेनी मेनी यूनिवर्सिटीज इन अमेरिका एंड कनाडा एंड यूरोप. दे रेगुलरली दे नो अबाउट दिस एंड दे रेगुलरली कॉन्टेक्ट फॉर देयर वेरियस प्रोग्राम. एंड इफ आई शो यू दिस वन पिक्चर ऑफ मेनी ईयर्स अगो, दीज वर मेनी मेनी फॉरन स्टूडेंट्स. न्यू दिल्ली में जो अहिंसा स्थल है वहां पर ये पिक्चर ली गई थी. Every year this is similar kind of scene which we exhibit. So what happened, what do we do? IAJ, it offers program each summer and winter, and there are 5 standalone program, 3 to 6 weeks introduction to Jainism, to advanced courses in Jainism, and to full-time faculty, research doctoral students, postgraduate, undergraduate, high school teachers also. And syllabus is approved by many universities. It is not just humne kaha ki ye padhana hai, na universities approve, and they give credits to those people who attend our this program. And students have come from 40 universities, and mainly from USA, Canada, Europe and Asian countries, and probably that many universities also, that many countries as well. So I as so far has educated more than 800 people, as I mentioned. And program inspired many of them, I would say about 40 of them. When they came back to America or Europe, they enrolled in PhD programs in very prestigious universities in Canada and USA and Europe. And main aapko ek khali bata dun, America or Canada mein PhD program mein kam az kam 7 to 8 saal lagte hain. Okay, isse puri tapasya hai ye. तो हुआ क्या कि मोर देन 25 पीएचडी अभी तक हो चुके हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी शिकागो, येल यूनिवर्सिटी, लाइक दिस. एंड दैट मेनी मोर पीपल आर डूइंग पीएचडीज नाउ इन अमेरिका एंड अदर प्लेसेस. सो विद दैट हैपन, हमारे पास स्कॉलर हो गए जो कि 16 साल पहले नहीं थे. अब हमने कहा कि अब कुछ और आगे काम यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं. लेट मी ऑल्सो शेयर विद यू one more slide, one or two, and then I'll talk about. So abhi IAS JS jo na jo 15-16 saal mein hua tha, now it is moving significantly up. Iski expansion ho rahi hai. Now it offers online Zoom courses in person classes summer and winter, and December 28 last year and to January 6 it offered a introduction to Jainism class on Zoom. And 40 countries, 40 scholars from 9 countries participate, including 2 from Pakistan, Lahore University. You know, it's not easy for a scholar to come to India from Pakistan because he or she will never get a visa. But for Zoom, via Zoom, 2 scholars from Lahore University, they were able to attend this program. But now IASJS is now part of Firodia, Firodia group, which is Amar Prerna Trust in Pune. Shugan Jain is the president and Rodia is the chairman, and our staff is expanding. In fact, we are hiring at least 8 or 10 more people right now. So IAJS will use all the resources virtually. We will not build our own.
So, what are the growth plan? We have a formal signed collaboration with Loyola Marymount University, which Manju talked about, Professor Christopher Christopher Chappell quite a bit. It has been signed. Willamette University in Salem, Oregon, it's going to happen very soon. A couple of months ago, we signed with Ghent University in Belgium. These are all very top universities. Also, Gujarat University in Ahmedabad, it's a very detailed MOU. And I'm IHS will work to seek accreditation with other graduate PhD level program in collaboration with other universities. So what are we doing in IHS as we are expanding? We are establishing College of Jain Agamic Languages. Okay, you can call center, you can call the college under IHS, where we will teach Prakrit, Sanskrit, Hindi, Gujarati, and Kannada. Okay. College of Jainism and Science, already started, by the way. College of Jain Community Sociology Studies, College of Jain Art and Architecture. These are all different wings of IHS. College of Antiquity, History and Development of Jainism, and College of Business Ethics, and College to Enhance Value. Many, many of these things are coming up pretty soon as we hire more and more staff. So what we will do? IHS will offer scholar exchange between India, Europe, and USA between universities, and complete hospitality, boarding, lodging at Naval Virayatan Pune. Scholar kahin se bhi aaye, work karne ke liye, padhne ke liye, research karne ke liye. We will have complete 5-star time facility, and we'll hold seminars and conferences. So that's where we made those progress. And what is Firodia ji is doing? 200 crore rupay apne laga karke. 42 acre land mein Pune mein jo na, he is building a museum which will be ready next year. And it will be a storehouse of knowledge of more than 5,000 years of Jain history, culture, everything that you can talk about. So this will become a very powerful tool. So as we were moving along in 2008, Jaina established what we call Jaina Academic Liaison Committee. हमारे पाठशाला भी हो गई, स्कॉलर भी तैयार होने लगे, अब यूनिवर्सिटी में जाने के लिए वी क्रिएट दिस कमेटी. एज आई मेंशन, जेना हैज एटलीस्ट मोर देन 30 कमेटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट. सो इसका पर्पस था क्रिएट, नर्चर, एजुकेट, एनहांस अवेयरनेस ऑफ जैन धर्म इन एकेडेमिया बाय एनी मीन्स, एंड डेवलप एंड फैसिलिटेट इंग्लिश स्पीकिंग स्कॉलर्स ट्रेनिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी इन यूएस एकेडेमिया, and encourage younger Jain scholars to be trained by means of scholarships, fellowships, and increase employment opportunity. India mein ek aur baat hai ki kafi log PhD Jainism mein nahi karte, ki PhD karne ke baad unko job kahan milenge. That is not the case here. Okay. Ye Jain Academic Liaison Committee ka logo hai. And isme 24 member hai iske, Jain Academic. Usme they're from USA and Canada, mostly from USA. And by the way, out of 24 members, 5 are hamari bane hain. And kai usme Jaina ke past presidents hain. And they are very high successful people. And we meet very, very regularly, practically every month on Zoom. And hamare do member Jaina Academic Liaison Committee ke, wo IHS ke board of directors mein bhi hain. अब जो नया अंडर फिरोदिया. सो जब ये हो रहा था, सो वी क्रिएटेड स्कॉलर्स, वी क्रिएटेड एकेडमिक लिएजन कमेटी, एंड वी क्रिएटेड द लाइब्रेरी. सो व्हाट हैपेंड इन 2010, जैन एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट भगवान महावीर प्रोफेसरशिप इन जैन स्टडीज एट फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन मियामी, एंड इट टुक कपल ऑफ इयर्स टू फिल दैट पोजीशन. एंड डॉक्टर स्टीवन वोस, who had done PhD from University of Pennsylvania in Jainism. He is also a Prakrit and Gujarati scholar. So he was appointed the professor. And as we were doing along, ek aur magic hua, I call it magic. One of our IESJS student, Dr. Brian Donaldson, usne ye ek pran kiya ki maine Jainism ko jagah jagah universities mein lana hai. So what did she do? On 2011, she invited us to Jain community
to shake hand, became a member of Claremont Lincoln University, which we did. Actually, we did on September 6, 2011. And now I will show you later on this very person, Brian Donaldson, is now the chaired professor, Bhagwan Parshna chair professor, University of California at Irvine in Jainism. Okay. So, जब ये हो रहा था, जब तक के पैसा नहीं हो तो वो गाड़ी आगे नहीं चलती. तो उस टाइम जो ना मैनी ऑफ आवर विजनरी फिलंथ्रोपिस्ट देश, उन्होंने कहा हम अपना कमिट करते हैं, अपना टाइम भी, अपना रिसोर्सेज भी और लक्ष्मी भी. एंड सो फार दीज डोनर्स दे हैव गिवन $15 million, विच विल बी मोर देन 100 crore रुपीज इन इंडिया. और जब हम ये पैसा देते हैं तो यूनिवर्सिटी जितनी जगह आप देखेंगे वो उससे भी ज्यादा तैयार है. अगर हम एक रुपया देते हैं, मेनी टाइम यूनिवर्सिटीज विल मैच टू एंड हाफ रुपीज, थ्री रुपीज ऑफ देयर ओन. ओके, ऐसा नहीं है कि हमने पैसा दे दिया खाली, वो कुछ नहीं करते. तो यहाँ पर देखोगे मैंने दिया नंबर कि $35 million यूनिवर्सिटी ने अपना उसमें अपना मैच किया. सो $50 million, विच इज मोर देन नियरली 350 crore रुपीज, हैज बीन स्पेंट for being going to be spent here on Jain academic education in America. Okay, so where are we? So with Jain community nurturing, now we are chairs, endowed professorship, lecturership, postdoctoral fellowship in Jain studies program at 26 universities. And the, by the way, this number keeps on increasing. In fact, if you invite me to talk after a couple of weeks, I will say probably two more I will be added. And many of these above mentioned position holders are themselves, every one of them, okay, they are vegetarians or vegans, okay. All of them are Americans, practically very few Indians, but they are vegans. And nearly all appointed faculties are they have studied under IESJS. So, कहने का मतलब ये था कि अगर IESJS नहीं होता, तो हम ये 26 universities में नहीं होते. तो IESJS ने इतना बड़ा उपकार किया है. एंड एक और जब आप देखेंगे अभी जितनी भी $15 million तक लोगों ने दिया टोटल, एंड नियरली ऑल चेयर्स एंड एकेडमिक पोजीशंस हैव बीन नेम्ड इन द नेम ऑफ तीर्थंकर भगवान, नॉट इन द नेम ऑफ द डोनर. नहीं तो क्या होता है कि अगर $5 भी दे तो मैं नाम पीछे लिखवाता हूँ अपने कमीज के पीछे. यहाँ ऐसा नहीं हुआ. ओके, अभी आप देखेंगे कैसे चेंज. और कैलिफोर्निया स्पेशली लॉस एंजलिस एरिया, वहां तो जो है ना जबरदस्त जो है ना कंसंट्रेशन वहीं हो गई, क्योंकि डोनर भी थे और यूनिवर्सिटी भी. एंड दैट विल बी द बिगेस्ट जैन एकेडमिक एजुकेशन सेंटर इन द वर्ल्ड. आई बड़े फखर से मैं कह सकता हूँ क्या. सो नाउ वी हैव दीज आई मेंशन्ड ऑलरेडी 26 यूनिवर्सिटीज एंड many of them are under our consideration. So where are we? We have endowed chairs and endowed chair. ये शब्द शायद आप इंडिया में नहीं जानेंगे. Endowed word जो endowed chair, endowed का meaning ये है कि ये हमेशा रहेगी. जब तक वो university है तब तक ये position और ये chair रहेगी. Number one. Number two, this means they are permanent forever. Or number two, and chairs are the highest position you can give, highest recognition to a highly educated scholar. Aur uske niche dusre. So we have Bhagwan Parshnath Presidential Chair at University of California, Irvine. Mohini Jain Presidential Chair at UC Davis, jahan Aparna hai. And the only reason it was named at that time Mohini Jain, because hamari Mohini behan ko us time tak pata nahi tha ki baki jagah kya ho raha hai. Leena Dhanani has been appointed as a chair. She is a PhD. Pehli Parshnath mein Dr. Brian Donaldson, jo maine mention kiya. Shrimad Rajchand, chair at UC, University of California, Riverside. Dr. Anna Beisel. Main aapke samne yun rakh raha hoon ye. Anna Beisel sabse pehle ye appoint hui thi. Aur India mein ye kaafi din rahi. Prakrit ki scholar hai, Jaipur mein rahi. और पता नहीं मंजू से शायद मिली होगी. इसने कम से कम 150 पेपर्स लिखे हैं जैनिज्म पे, 8 बुक्स लिखी हैं, 6-7 लैंग्वेजेस आती हैं. और लास्ट टाइम शी वाज टीचिंग जैनिज्म
at Hebrew University in Israel for 4 years. So we were lucky to have her. And then we have Bhagwan Vimalanath chair at UC Santa Barbara, Bhagwan Swidhanath chair at Cal State University, Long Beach. So like this, Srimad Shantinath endowed chair in Jainism and director, Dr. Professor Tara Sethia. Abhi ki do mahine pehle, Bhagwan Anantnath endowed chair in Jain studies in University of Wisconsin in medicine. Endowed chair in Jain and Hindu Dharma. Yeah, another, this is something Jain or Hindu milkar ke. This we created at University of California and Cal State University in Fresno. And I hope people are still awake. Manju? Hey, yes, sir. Sir, sab kosh isliye ho rahe hain ki yahan pe jo meri wo sister aayi hai San Diego se, wo Jain Center se associated hai. और वो आंट भी बोस्टन के वही सेंटर जाती हैं डेली अभी आए हैं शी हैज विजिटेड 30 टाइम्स वेलकम 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 उनको तो वो सब आपको थैंक्स कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए और सर आपको अभी मैं अपना वो कुछ फीडबैक भी देना चाह रहे हैं सेंटर के बारे में आपको लेट मी फिनिश दिस बिकॉज़ यू विल दैट्स व्हाई आई एम दिस इज अ साइनिंग सेरेमनी मेनी इयर्स अगो for San Bhagwan Parsna chair at University of California, Irvine. And we have not stopped. Endowed professorships. Aap dekhiye, if you know, 9 se 13 tak, ye bhi jo na alag alag professor bhi appoint ho gaye hain, sab ke naam Bhagwan ke upar hain. Main aapka bahut time nahi lunga padhne ka. Postdoctoral fellowships. Okay. Ye bhi 14 number se 18 tak, ye ho gaye. Badi famous universities mein. Shivani Bothra, she is at Rice University. Okay, and Bhagwan Abhinandan, lecturership in Jain Studies, University of California, Los Angeles, UCLA. This position has been advertised and they will appoint. And this is the signing ceremony at Rice University many years ago. Just a couple of pictures. And iske alawa aur bahut sare program. Bhagwan Shantinath, lecturership, Cal State University, Fullerton. And Bhagwan Vimalanath, lecturership at University of California, Santa Barbara. And if you can see, you know, this list goes on and on. Okay. This is another picture of signing ceremony several years ago with the donors at Kent State University in Fullerton. Okay. No, so, Ellen Goa has stayed in Nagpur 7 days and she has taken training on Riddhi and Mantras. Let me finish this. You will see. You know, Ellen. So, वो भी IIJS की student है, Ellen Goa. Okay. And then we have Bhagwan Neminal Endowed Program in Jain Study, University of Connecticut. We have just started this. And Jain Study Program at University of Chicago. And then only recently, University of Dayton and Dayton, Ohio, where I used to live, and Dr. Subhash Jain will be teaching. And only 2 weeks ago, Acharya Mahapragya Professorship at Ghent University in Belgium, which we have funded. And in fact, this celebration we'll do in a couple of weeks. Rupalal Jain Lecture at University of Toronto, Chandramohan Jain in Canada, Shailendra Palviya Jain Lecture Series at Long Island University. So, the list goes on. And then not only that, we did not stop there. We also are funding some people who want to do PhD in Jainism. And with that, at University of California, Riverside, again, let me emphasize, it takes minimum of 6 years or as much as 7 to 8 years to do PhD here. And these people need help. So we created 4 fellowships. $40,000 each year for each person, which probably may be about 30 lakh rupees, something like this, if I'm right. 30 lakh rupees for each scholar each year. And we gave them for 4. And then International School for Jain Studies and annual lecture convention. We have started with all these year program, summer school in North America. Another thing which we are doing, Manju, this year for our Jain youth, we are preparing a special 45 hours
lecture by Loyola Marymount University preparing a youth from the age of 14 to probably 29 during summer. And this is especially this course, excuse me, being designed for youth only in today's context. And this will be offered online. And there are some teachers who have agreed to sign up for this course from India, who will become teachers. They probably will offer this free in India at a different time. So that's being done, okay? And so I will not take too much time because there's so much is going on over here. If we had to go that far, then we have to do many, many things. One more thing that we did, quite important, as we have these many, many professors here, and they are teaching and they're researching Jainism, we have to train them in Prakrit and Sanskrit. And for that, because a lot of Jain literature, a lot of Jain agams are in Prakrit and Sanskrit. So for that, we created a Bhagwan Mahavir, what we call fellowship, for some scholars to go from American universities and UK and spend one full year in India to study Prakrit. And in 2019, three PhD students, two from London and one from Chicago, they went to India to study Prakrit one full year. And when the COVID started last year, we had to ask them after 8 months, "Bhaiya, you go home, otherwise you'll be stuck in India." But we are offering this program again this year. And the cost of this program for each person to stay and come to India and study is about 11 to 12 lakh rupees per person per year. And if I can tell you, this is a scene at Shanti Niketan University in West Bengal. And Professor Bhattacharya, he is teaching these three people, which I just mentioned, Prakrit, for they spent about 8 months with him. This was about till last year. And we have also developed a free online access course in Jainism. Professor Christopher Miller, Bhagwan Maldinath, professor in Jain studies at Loyola, has developed 14 lectures in English and is developing another 10 more, so 24. And these are absolutely beautiful. And Ghent University in Belgium is converting them into French, German, and French, German, and one more language. So they will be offered there as well. So how many students you can reach like that? 4 months ago, we brought out the whole history of all these programs. So we prepared a 148 book, like a book, Jain Digest, which is completely devoted where we are, how did we get there into Jain academic education. So there are many, many lectures and conventions take place all the time. And if I can just, last year in December, we had a 3-day symposium, Jainism and Mathematics. Okay, many, many people do not know that the zero was invented by Jains. Pi and so many other things were invented by Jains more than 2000 years ago. So there were many, many scholars who came and they presented papers on this conference for 3 days. Symposium. So we invite guest lecturers, many, many of them. And we also used to take many of these professors to meet and greet with scholars in Chicago. They were at the Jain Mandir in Chicago several years ago. Unless you develop a relationship, nothing happens. This in Atlanta, in the Jain Mandir. Many American scholars here, they came to the Jain Mandir and we met with them, talked about them. Now they are very friendly to Jain studies. Ghent University offer classes in Jain. It is one of the top most university in Jain studies in Belgium, or in fact, whole of Europe. And so they do many things, and we just signed up with them to create Acharya Mahapragya professorship in Jain studies. And here is a big list of 11 students who are now doing PhD in Jainism. And many of them already been there for 4 or 5 years. So quite a lot. So these will be new scholars. And
So, a couple of more minutes. Nearly all appointed faculty, they are mostly IHS. More than 50% are women, all these professors. And only two of them are born Jains, and they too are women. And all have PhDs from prestigious universities in USA, Europe, and New Zealand, and many, many lots of publications. And all the professors here are vegetarians or vegan. And there are a few positions which are vacant. They will be filled in the next few years. So where are we? We have spent nearly 350 crore rupees or $51 million on Jain academic education in this country during the last 15, 16 years only. And who are these people? Dr. Jason Meera Modi, he has given at least $8 million. He keeps on giving more. Mohini Jain in Sacramento, where Aparna is, she has already given 1.5, which I'm talking probably 11 or 12 crore rupees. And there are other people. There is Jason Meera Modi, probably close to, he's getting to 70, 80 crore rupees. And Aparna, you recognize? Hmm? Yes, uncle, definitely. Huh? Hmm? So from your own town? Hmm? Bilkul, Hanji, close family, friends. Mohini Jainuski family. Hmm. And by the way, I have a promise. When I say, like, why, wherever there are opportunities, they will give more. Big money. Okay. These are people, Harshadan Re Raksha Shah. Kabhi bhi wo apna naam kabhi chate bhi nahi hai. Jab bhi unse kaho, usi time tayyar hai. Okay. So with that, what about Europe? SOAS and Ghent University are the only one, and where we have made a big headway. And for the survival, flourishing of Jain Dharma, West Gyan Mandir are a must. And so we have been talking to them, that America, ko dekh karke, Canada, mein, no, Europe, mein bhi kuch karo. And if I can play this again, this is a online courses and classes in Jainism. I don't know if it play. This is available free, by the way. Hmm? No, I am not that like. Anyway, here is the link to this. Anybody can get all these lectures free 24/7 anytime you want. Now I want to share with you, what is the value of Jainism? Why do we teach Jainism? Okay. There was some people who are from America, Aparna will know, there was a very famous civil rights leader, John Lewis. He died about 3-4 months ago. And he said in one of our Jain conference, he said, if there was no Bhagwan Mahavir, there would have been no Mahatma Gandhi. There would have been no Dr. Martin Luther King. There would have been no civil rights movement and no equal rights to all, especially to women. And he said, we are grateful, indebted to Bhagwan Mahavir. This is what we Jains are. Okay, and let me share with you. This is again that Dr. Brian Donaldson, who is now the chaired professor at University of California, Irvine. She wrote to me about 10 years ago. She said, why Jain Dharma is so important? And please, I want to share this. These are only last one or two slides. What she wanted. She said, I want to hear everyone talking about Jainism. This is an American girl, a Christian girl, okay, who is now a vegan, by the way. I want to hear everyone talking about Jainism. I want religion and philosophy department teaching it. I want ecologists, agricultural technicians exploring its sustainability model. I want animal ethicists investigating it. I want metaphysicians engaging its textual and cosmological claims. I want economics department examining its charitable giving and solvency. I want diplomats, nonviolent practitioners, and just war theorists scrutinizing it as a viable political way of life. Okay, and she said, in short, I want it on the lips of every discipline colliding with existing
wisdom, challenging astrological strongholds, and generally throwing a wrench into any sentiment that would dismiss it as impractical the possibilities of humans living in fundamentally different manner in our culture and world. And with that, so again, this is the University of California at University of Texas in Austin, very large university, more than 50,000 students. And Dr. Donald Davis has been teaching Jainism for 25 years. And in one time in his class were 103 students. So I asked him, why do you teach Jainism? He said, Jain Dharma offers a different pair of eyeglasses or a prism through which to view the world, its problems and opportunity. This is why he teaches Jainism. So he's giving them a different perspective. Okay, and I think I am at the end. So where do we go from here? In India, there's a big gap. Ye meri appeal hai aap logon se. There's a big gap. Wo chair ki baat karte hain, par chair ka utna jo na mahatv kya karte hain wo chair. So now it is up to you to decide. We are making, you know, very good groundwork here. So it is up to you to decide when and where. By the way, we have started discussion with Nalanda University, which is in Rajgir, which was set up with international cooperation. So dekhte hain wo kahan tak pahunchti hai, but we have started dialogue. So with that, bahut dhanyawad, aap logon ne badi patience se suna hai. Aur ab isko agar main band kar sakun, then we can all, I'll do that, uncle. Okay, maine kar diya. Hi, oh, very good. Okay, I hope I did not bore you too much. Okay. It was a very good information, uncle. So informative. I mean, for me, to especially like living here in US, but not knowing much, you know, kaise itni growth hui har cheez ki. It was very interesting to learn all that. So now I'm open for questions, suggestions, comments. Manju, sabhi mute kar hai, disconnected. Unmute karo. Acha bol. Disconnected. Yeah, this session was indeed very informative. I mean, before knowing this, we were not knowing. I mean, yeah, we can say that we weren't much, you know, aware about the ongoing things related to Jainism. We only know some universities from India that are offering the courses on genealogy and things like that. Is it a comment or you asked me a question? I did not hear better. Oh, sorry, uncle. I was just saying this session was very informative, and before this session, we were not aware of the ongoings related to Jain theory and Jainism all over the world. Well, that's why I wanted to share with you, and my hope is that you will find more people with whom we can share this. More and more people will come to know that such a revolution is taking such a revolution. Now today I see, including me, we are only 16 people. Okay, that's what I see here, participant. But I hope someday, because of you and because of Mandu and everybody, we probably should have 160 people. So this message goes around. And not only that, my message, but you will share that in India, how many universities, what are they doing? Where are the Jain studies? Okay. So very important. Jainism uske bagar survive nahi karega beta. Jainism ki survival ke liye bahut zaruri hai. Okay. Is, we are in the minor lot, though hamara jo minority group hai wo at least united rahega, and we will have lifelong associations, and then we can move on further. Another appeal meri ye hai, aur main itne India mein kafi acharyon se aur se bahut baar mila hu ke Sunday ko har jagah, har mandir mein, har jagah वहां पर पाठशाला होनी चाहिए. अगर उनको बच्चों को जो है पाठशाला वो संस्कार नहीं मिलेंगे, वो आगे जैन कैसे बनेंगे, कैसे रहेंगे. ओके, ये बहुत जरूरी है. ओके, तो इस वास्ते आप लोगों के ऊपर है इंडिया में. हमारी सिस्टर, ये सर ये हमारी सिस्टर है जिसके बच्चे
बच्चे पाठशाला जाते सिंधिया को कि कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। जय जिनेंद्र एवरीवन, श्वेता, आई एम फ्रॉम सैन डिएगो। बोथ माय किड्स, दे हैव बीन अटेंडिंग पाठशाला लाइक फ्रॉम लास्ट 14-15 इयर्स एंड आई हैव बीन लाइक एक्टिव मेंबर इन पाठशाला विद किड्स एंड जैना लाइब्रेरी हैज हेल्प देम इमेंसली बिकॉज वी हैव द एक्सेस थ्रू बुक्स ऑल द स्टफ लाइक किड्स दे लाइक टू रीड सम टाइम एट बेड टाइम आई सेड रीड द स्टोरी ओपन अप द आईपैड read the story and that's how sometimes I tell them and now they started doing it on their own. So Jena Library is like immensely like beneficial and helpful for all the kids in like Pathshala. You live in San Diego, beta? San Diego. You live in San Diego, huh? Ji, uncle. Yes, okay. I live in San Diego, yes. वेरी गुड। एंड वहाँ जैन जैन मंदिर में जाते हो गए जरूर? या दे आर मेकिंग अ जैन मंदिर देयर, इट्स लाइक अंडर कंस्ट्रक्शन। आप लोगों के सामने सैन डिएगो की एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। होल्ड ऑन वन सेकंड। अच्छा, होल्ड ऑन वन सेकंड। यस, या ये एक बुक है। या आई कैन सी इट। या बुक है एन अहिंसा क्राइसिस। आई रोट दिस 3 years अगो एंड द रीजन आई गॉट इट आउट इज बिकॉज आई वांट टू शेयर समथिंग फ्रॉम सैन डिएगो। ओके, होल्ड ऑन। Because of the pashala that you people have, okay? This is few years ago, and when you go back to San Diego, okay. Now, can you, there, yeah. When I was writing this book about 7-8 years ago, there was one girl who was 10 years old in San Diego. A Jain. Her name was Rutvi Shah. Rutvi Shah. Oh yeah, yes. Do you know her? Yeah, I know her. Yeah. Okay. Yeah. Why I'm saying this? Jain Pathshala ki beauty kitni ho sakti hai? I want to emphasize. उसने कहा एक poem लिखी थी जो मुझे भेजी। जैसे मैंने वो देखी तो immediately इस book में publish करी। 10 साल की लड़की बोलती है क्योंकि उसमें संस्कार पड़े थे। आई वॉन्ट टू बी जैन, आई वॉन्ट टू फीड द हंग्री, आई वॉन्ट टू वाइप द टीयर्स ऑफ द सैड, आई वॉन्ट टू गिव टू द नीडी, आई वॉन्ट टू बी जैन, आई वॉन्ट टू पुश ऑल द एंगर आउट ऑफ माई हार्ट, आई वॉन्ट टू मेक रूम फॉर फॉरगिवनेस इंस्टेड, आई वॉन्ट टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस फॉर बैड थिंग्स आई मे हैव डन, आई वॉन्ट टू बी जैन, आई वॉन्ट एनिमल्स टू लिव एंड बी फ्री, आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड एनिमल्स आर लाइक अस, I don't want to use them for my needs. I want to be Jain. Yeah. I don't want to lie or cheat. I don't want to take advantage of others. I want to be Jain. I don't want to insist that I am correct. There are many more than one ways. I want to be Bhagwan Mahavir. Let me walk on your path, the path that took you to liberation. Let it take me there too, because I want to be Jain. ये 10 साल की लड़की इतनी सुंदर poem लिखी। ये हैं पाठशाला के और घर के संस्कारों से। अगर ये दोनों डिसिप्लिन, मदर अपना रोल भूल गई, ओके, और उसके बाद पाठशाला और ये, तो हम फिर जैनिज्म कहां से आएगा? तो सबसे पहले तो मदर के ऊपर है। अब पूछिए आप क्वेश्चन। आई जस्ट वांट टू शेयर सैन डिएगो की। अगर रुत्वी को जानते हो तो रुत्वी को जाके बोलना UCLA have attended like Pathshala for 8 years and he said how immensely he's benefited throughout his like going through the process in going to an unknown environment, how it helps in his like daily routine, in his behavior.
That's like really good. Like, yeah. तो इंडिया में भी होनी चाहिए पाठशाला, हमारा एम्फेसिस होना चाहिए काफी पाठशाला के ऊपर. अंकल चलो और कुछ और पूछो, और कोई क्वेश्चन किसी के? आपको दर्शन करा रही हूँ, ये मेरे भाई है मनोज जैन, इन्होंने ये अकेले मंदिर बनाया, ये मंदिर देखिए. जय जैन. ये सर ये मंदिर बनाया है ये मनोज ने, ये देखिएगा. चंदा प्रभु जिनालय है और मूल नायक चंदा प्रभु भगवान है. इसके साथ में एक तरफ में आदिनाथ भगवान की भी प्रतिमा जी है और एक तरफ में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है. महावीर स्वामी की भी है अष्ट धातु में और साथ में अभिषेक के लिए शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा जी है. ऐसे ये पूरा जो है जिनालय बना हुआ है. बहुत सुंदर है ये, काफी आर्टिस्टिक है, है? और हमने तो चंद्र प्रभु जी के नाम पे यहाँ पर एक चेयर भी एस्टेब्लिश किया उन्हीं के नाम पे अमेरिका में. जी अंकल जी, हमारे यहाँ सैक्रामेंटो में जो पाठशाला कराते हैं इस टाइम वो दीदी भी कनेक्टेड हैं, चंदा दीदी. क्या 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 कराते हैं? My son lives in Boston. I visited Boston so many times and this premises Jain temple so many times. It is very good and in all aspects my son used to go there every Sunday or every month time. And their kids, they also want to do something, they are learning something from there. तो बॉस्टन जैन सेंटर के दर्शन कराए जाते हैं ना अभी मैंने, वो नमोकार मंत्र. यस यस यस, वही कहते हैं. क्या नाम है आपके बेटे का? हेलो, कुलभूषण जी बहुत अच्छे से जानते हैं अंकल, आपके जो फ्रेंड है ना कुलभूषण जानते हैं. मुझे तो बेटा बॉस्टन छोड़े हुए 40 साल से ऊपर हो गए. हेलो, आई लेफ्ट बॉस्टन 1980. ओके, आप कुछ क्वेश्चन पूछिए, बिकॉज़ यू नो रादर आई वांट दिस टू बी मीनिंगफुल. है ना, तो हाफ एन आवर उसके बाद फिर तो आस्क मी सम क्वेश्चंस. प्रणाम यू आनी बड़ी. सर आपको दिखाती हूँ, ये लैंड मेरे फादर ने मुझे दिया है, यहाँ भक्तांबर का टेम्पल. I wanted people to ask questions, you know. Okay sir. That would be nice because all these people. Sir, yes sir, I was just asking Brea. Brenna Donaldson, she had attended my class and she had taken up Shoka also. She gave me writing feedback also. You were speaking about it. Aayi hogi, Brenna Donaldson aayi hogi, you know. Okay. But these are very yes, good, sir. Very, yes, sir. These are very high level scholars. Okay. Yes, sir. Aparna, anyone can ask question. Aparna, anyone from the Rajni Gandhi or bhi koi. Rajni ji, beta tum chup ho. Sir, thoda sa main. Hamare saath Rajlakshmi Golcha hai. She is from Nepal and she is pursuing PhD. Aap tera paas se hai. And she is president of Nepal also. जिसके थ्रू हम भक्तांबर के एक सीरियल बना रहे हैं. सो राजलक्ष्मी जी इज द मेन स्पॉन्सरर्स फॉर दैट. राजलक्ष्मी जी प्लीज सर से एनी क्वेश्चन यू वांट. हाँ सर, मुझे तो ये गेंट यूनिवर्सिटी की प्रोग्राम बड़ी अच्छी लगी. सो हाउ कैन वी हेल्प इन दैट? हाँ
अमेरिका अमेरिका के लिए तो हेल्प हम अमेरिका नहीं कर रहे हैं, आप ये बताइए गेंट के लिए बताइए। एक मिनट, आप इंडिया में कहाँ पर हैं बहन? मैं तो नेपाल में हूँ भैया, नेपाल में ही करवा दीजिए। हाँ सर, नेपाल में नहीं नहीं करवा दीजिए ना आपके साथ। हाँ हाँ, आई एम रेडी टू डू इट। आपके साथ बहन, आप मेरे को इस मंजू को बोलना या अपर्णा को या ईमेल भेज दे, फोन नंबर भेज दे और हाँ, बात करेंगे। हाँ सर। और वहाँ पर तो मतलब काठमांडू में कई जगह काफी जैन भी हैं। बहुत है, हम लोग हजार परिवार हैं यहाँ पर। एक गोलछा फैमिली, गोलछा फैमिली को जानता था मैं। अच्छा, उनको जानते थे क्या? हाँ, तो वो तो इसको गुलाबचंद जी को। हाँ, गुलाबचंद जी गोलछा है। ओके, वो तो अब नहीं है ना? अच्छा अच्छा, नहीं तो अब नहीं है सर, अब नहीं है। तो और भी नेपाल में तो करना और भी आसान रहेगा, क्योंकि अपने के स्कॉलर जो है ना इंडिया से मिल जाएंगे, जो जाकर के वहां पर पढ़ाने को तैयार। हाँ। कई सारे प्रोफेसर। हाँ, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ सर। तो बस काम हो गया फिर तो, जो ना अपर्णा यू बी कम टू कोऑर्डिनेटर। मुझे लगता है कि वो इंडियन यूनिवर्सिटीज के साथ भी एसोसिएशन यदि रहेगा तो वो बेटर रहेगा सर। ये रजनी जी मलेशिया से है, वो रजनी जी ने आईवीएस सेंटर खोला है भक्तांबर का। आई वुड आस्क रजनी जी टू स्पीक एंड गिव हर व्यूज और क्वेश्चंस व्हाटएवर। रजनी बहन से बात हुई ना, वो जो नेपाल की बात तो राजलक्ष्मी जी नेपाल से। राजलक्ष्मी जी, ओके। एंड रजनी जी डू यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन और दिस थिंग? No, I have attended this session today and I really liked your idea about non-sectarian which you told about this. So that is a very good thing. And as you correctly said, it is difficult to find this kind of a thing in India itself. But you have been practicing this and promoting this throughout US, which is very good. I live in Malaysia currently, in Kuala Lumpur. And here also there are Jain temples. Two main temples are there within the city in Kuala Lumpur. And there is one more temple which is little far away from here. It is in Ipoh. So there are temples over here. But then the difference, like people are, they belong to different castes and all those things are still practiced here. But I really like this idea and I hope to join you in any way I could be of help to you in promoting this kind of a thing. And I do Bhaktamba sessions in Malaysia. So I have a center here under the guidance of Manju Didi and Archana Didi. So I've been doing this. It's a small task which I've just taken up, but I hope to be connected with you all. And thank you very much. Rajni beta, thank you for your comments and you coming from Malaysia, which is very good. Now, it was somewhat easier for us. I've been, as I mentioned, 55 years I've been in America. The number of Jains were very few. So, main Delhi se aata hun. Actually, I was born in not too far from Delhi, Haryana. Bato, jo bhi मैं दिगंबर हूँ, स्थानक वासी हूँ, तेरा पंथी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, वो सब जब हम इंडिया से चले थे वहीं छोड़ आए थे। करेक्ट। अगर वो नहीं रहे तो हम ये बटे बटे, हमारा हमारी तादाद, हमारी संख्या कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। करेक्ट। और अब हमारे बच्चे जो है ना, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया, उन बच्चों से पूछो, उनको पूछो श्वेतांबर दिगंबर का क्या फर्क है, कुछ पता नहीं। एक्चुअली है भी कुछ नहीं, तो ये जो ना हमने जितनी भी संस्था यहाँ पर बनाई सैकड़ों, उनके सब के नाम हमने जो ना श्वेतांबर दिगंबर नहीं रखने दिए। तो अब हिंदुस्तान में वो डिफरेंट है, चेंज होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हजारों साल की वहाँ स्थिति है।
लेकिन आप नेपाल में या मलेशिया में या सिंगापुर में वहां पर कुछ इस तरह की सारी कम्युनिटी मिलकर कर सकती है। तो अभी आप जो है ना बहन ने नेपाल की बात करी थी तो मेरे को कनेक्ट कराएगी अपर्णा, बात करेंगे। और इसी तरह से अगर मलेशिया में भी कुछ हो, सिंगापुर में हमने काफी कोशिश करी, बाय द वे मैं सिंगापुर काफी कई बार गया, यूनिवर्सिटी में भी गया वहां पर, तो वहां अभी कुछ इतना पकड़ या रुझान नहीं देखी, लेकिन स्लोली स्लोली वहां पर हो रहा है। हमने महिडॉल यूनिवर्सिटी है थाईलैंड में, वहां जाकर के उनको टीच किया 3-4 साल तक जो ना 6-6 वीक के कोर्स जैनिज्म के, लेकिन जब तक कोई चीजें कंटिन्यूसली नहीं चले ना तब तक उनकी आगे प्रोग्रेस नहीं होती। अमेरिका में पेपे आए थे महिडॉल यूनिवर्सिटी से, और वो पूरा बैच जब हस्तिनापुर आया था, आई वाज टीचिंग देयर, सेवियर वाज द कोऑर्डिनेटर, सेवियर एट दैट टाइम फ्रॉम कैटालोनिया, फिर जापान शिफ्ट हो गया था टोक्यो। तो कोशिश हमने काफी, अभी हम जो ना वी आर वर्किंग विद इजराइल, नेक्स्ट वीक और मीटिंग है हिब्रू यूनिवर्सिटी के साथ, तो कोशिश करते हैं जहां पर भी कोई हो कि वहां पर हम कुछ ना कुछ जो है ना काम कर सके। खाली जैनिज्म को तो खाली हिंदुस्तान में नहीं रहना है, सारी दुनिया में पता होना चाहिए। सर, जब मैं डबलिन साइको ऑन्कोलॉजी वर्ल्ड कांग्रेस में प्रेजेंटेशन दिया था, भक्तामर एस प्रिवेंटिव मेडिसिन टचिंग सिक्स एलिमेंट, तो वहां पे मेरा जो पेपर था वो केयर फॉर क्लिनिशियंस था, और जो इसराइल की रिप्रेजेंटेटिव थे वो वहां लेके गए थे कि इसराइल में हमारे लाइक मैनेजमेंट, माय हॉस्पिटल एमडी एंड ऑल आर वेरी ओपन टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो वो मेरे पूरे यूएसबी पोर्ट, पूरे सीडीज, पेन ड्राइव, पावर पॉइंट, ऑल ऑडियोज, वीडियोज दे टुक देयर, एंड वी विल टेक अप रिसर्च इन ऑल हॉस्पिटल्स, दे वर लाइक हेडिंग हॉस्पिटल्स। सो इट इज लाइक 2017 की बात है ये, एंड अभी तक सर जैसे रजनी जी ने मलेशिया में सेंटर खोला है भक्तांबर का, वैसे ही राजलक्ष्मी गोलछा जी ने नेपाल में खोला है, एंड ऐसे भक्तांबर के सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया, 45 आईबीएस सेंटर जिसमें प्रॉपर हीलिंग दी जाती है, पूरे गैजेट्स होते हैं, ऑडियो वीडियो, एंड पीपल आर रनिंग। यू गॉट टू रियलाइज हमारा फोकस है यूनिवर्सिटीज के साथ। यस सर, यस सर। और हमारा फोकस है एंटायर जैन फिलॉसफी। Yes, sir. आपका फोकस जो कि मैं भी हूँ शामिल हूँ कि वो है मोस्टली विद इन जैन्स पहले, उसके बाद जो है ना वो फैकल्टी उन तक भी पहुंचेगा, तो अपने जो है ना दोनों को लेकर के चले। सर हमारे साथ राकेश जैन है, डीपीएस के ओनर, डीपीएस नोएडा एंड ग्रेटर कैलाश के, ही इज प्रिंसिपल ओनर ऑफ दैट स्कूल, और उन्होंने 6 श्लोका पूरे स्कूल में बच्चों को कराते हैं। तो आई वुड लाइक राकेश जैन जी, तो अनम्यूट हिमसेल्फ, राकेश जी, डॉक्टर सुलेख जैन। सो राकेश जी इज हेडिंग डीपीएस नोएडा, एंड राकेश जी ब्रीफ योरसेल्फ एंड अबाउट योर रिसर्च वर्क। या सभी को जय जैन। स्प्रिंग डेली स्कूल ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद में हमारा है, लगभग 2000 बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। दीदी के जब हमने प्रवचन सुने, वीडियो देखे, जब हमने देखा भक्तांबर का इतना महत्व है, तो हमने अपने स्कूल के बच्चों को ये कार्यक्रम दिया, और आपको विश्वास होगा कि बच्चे काफी खुश हैं इससे, उनके मार्क्स काफी अच्छे आ रहे हैं। 6ठे श्लोक को हम सारे स्कूल के बच्चों को, सबको डेली इसको करा रहे हैं। तो जिन बच्चों के अभी एग्जाम चल रहे थे, उन्होंने अपनी बताया कि हमारे जो एग्जाम है बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो इसका हमें पता ही नहीं था। हम पहले से बहुत काफी मंदिर जाते थे, कुछ करते थे, लेकिन जब से मैंने दीदी का ये कार्यक्रम देखा कि भक्तांबर का इतना महत्व है, तो तब से हमने इसको अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस किया, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आप ये बता रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी से इसको जैन धर्म को फैला रहे हैं या जिस तरह से कर रहे हैं, तो हमारे स्कूल को भी आप लोग इसको रखिएगा कि हम किस तरीके से बहुत अच्छी प्रभावना जैन धर्म की कर सकते हैं। कहाँ पर आपका स्कूल डीपीएस बेटा? हाँ, स्प्रिंगडेल स्कूल ग्रेटर नोएडा में है, सीबीएसई से अफिलिएटेड स्कूल हमारा है। अच्छा, नोएडा में है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। दूसरा गाजियाबाद में हम लोग पटेल नगर सेकंड में चला रहे हैं। स्कूल जो माँ कौशल की है, हिस्पांचल ध्यान योग केंद्र गाजियाबाद में ही है, उसको भी हम देख रहे हैं। तो अच्छा, जो महाराज जी तरुण सागर जी थी, उनका भी यही था कि हम लोग जैन धर्म को केवल मंदिरों के अंदर सीमित रखा है, अगर हम आम जनता के लिए इसको करें तो इसका बहुत लाभ होगा। जैसे भक्तांबर के लिए दीदी इतना कर रही है सारे वर्ल्ड के अंदर। तो आपके स्कूल में
कुछ बेसिक जैनिज्म के भी कोई क्लासेस कोर्सेज हैं क्या भक्तांबर के अलावा? आर यू टीचिंग एनीथिंग अबाउट जैन? देखिए मैं व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, आप दिल्ली एरिया से आते हैं ना, गाजियाबाद दिल्ली नोएडा सब दिल्ली है जी, तो मैं भी दिल्ली की प्रोडक्ट हूँ जी। अच्छा दिल्ली, मैं भी दिल्ली में हाई, तो अगर आपको पहाड़ी देर सदर बाजार का पता हो। हाँ हाँ जाते जाते हैं कभी कभी जाते हैं। मंजू के तो एक रिलेटिव जो है ना वो उधर से आती थी, तो मैं वहां पर जो है ना, सुनिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ जी। तो मैं जो है ना वहां पर हीरा लाल जैन हायर सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल अभी भी है, ठीक है, मैं और सुगन जैन जिनकी बात करी हम दोनों उसी स्कूल के हैं एट डिफरेंट टाइम जी। उसी एरिया में तीन जैन स्कूल थे या अभी होंगे या उस टाइम थे, मैं आपको अर्ली 1950s की बात करता हूँ। ओके तो एक स्कूल हमारा था जिसमें मैं पढ़ता था, दूसरा स्कूल वहां से 200-300 फुट के फासले पे, उसका नाम था जैन समनोपाशक जी, वो भी जैन स्कूल था जी। अब सुनिए वहां की कहानी के, वहां पर सेवंथ क्लास में एक लेक्चर दिया गया अहिंसा के ऊपर। ओके, बच्चे वहां पर 80% नॉन जैन थे जी, आपके स्कूल में भी होंगे 50% के 90% नॉन जैन है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ 80%, तो वहां पर भी जो ना नॉन जैन थे जी। तो उनमें से एक बच्चा, वो मेरी उम्र का ही है, मैं बच्चा क्या वी आर सेम ओके, और वो जो ना वो मीट ईटिंग फैमिली से आते थे, खत्री थे जी। उसने जो ना उसने जब अहिंसा के ऊपर लेक्चर सुना अहिंसा के ऊपर जब लेक्चर सुना, वो घर जाकर के बोलते हैं कि अपनी से आज से मीट नहीं खाऊंगा। उसके पिताजी नाराज हो गए, कहते कैसे थे जैनियों के स्कूल में जाके तो दिमाग खराब हो गया, हम तो हमेशा से मीट खाए हैं, कैसे नहीं खाओगे। उसने एक दो थप्पड़ भी लगाए उसके, लेकिन उसकी माँ ने जो है ये कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए अलग बनाऊंगी। अच्छा वो खुद जैन हो गया ना, खुद वेजिटेरियन हो गया, उसने शादी वेजिटेरियन लड़की से करी। उसके बाद जो ना वो अमेरिका आ गया, पीएचडी करी, पीएचडी करके अमेरिका के वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया इन फिलाडेल्फिया, वहां पर वो प्रोफेसर लगे संस्कृत के जी। वहां से वो रिटायर हो गए, मेरी एज के हम 80s में। मैं एक दिन उनसे पूछने लगा, हम और वो जो ना जानते नहीं थे पर उसी एरिया के मैं पैदा हुए थे वही बड़े, वो कहने लगे जैन स्कूल में जाने का ये फायदा हुआ कि न सिर्फ मैं और मेरी वाइफ वेजिटेरियन, हमारी तीन जनरेशन वेजिटेरियन बन गई इवन यहाँ, अगर जैन संस्कार नहीं पढ़ते तो। तो ये आपका रोल है डीपीएस में कहीं पर हो, भक्तांबर तो सिखाइए उनको, भक्तांबर से उनको जो ना श्रद्धा आई, लेकिन जैनिज्म के हिंसा के एनवायरमेंट के एनिमल क्रुअल्टी के बारे में भी उनके ऊपर लेक्चर होने चाहिए, तब तो जैनिज्म एक एक एग्जांपल मैंने दी कितना फायदा हुआ कि तीन जनरेशन उसकी विचारे की चेंज हो गई। इन चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए आप। ध्यान देने हम इसमें आपको बताना चाहूंगा कि हम सौभाग्यशाली इस बारे में कि सौरभ सागर महाराज जी, मुनि सौरभ सागर जी आपने नाम सुना होगा, स्कूल में आए थे, उन्होंने यही कहा था कि अपने स्कूल में आप जो भी टीचर्स हैं उनको बिल्कुल बैन कर दीजिए, कोई चमड़े की चीजें ना पहने। तो हमने स्कूल में बच्चों को भी कहीं भी जब भी यूनिफॉर्म करते हैं कोई भी चमड़े की चीजें इस्तेमाल नहीं करेगा, तो इसका काफी असर पड़ा। ज्ञान सागर महाराज जी हमारे स्कूल में आए गाजियाबाद में, उन्होंने भी इस साकार पे काफी कुछ कहा। तो सभी बच्चों को हम लोग कोशिश करते हैं, सभी का चेक करते हैं, लंच हमने स्पेशली देखा है कि जैसे आपने बताया मॉडर्न बच्चे का कि बिल्कुल बैन किया हुआ है, कोई भी बच्चा लंच में कहीं भी कोई भी नॉन वेज नहीं लाएगा। तो बहुत कोशिश करते हैं क्योंकि हमें जैसे टाइम टू टाइम हमारे गाजियाबाद में महाराज जी आते रहते हैं तो उसका बड़ा लाभ मिलता है। और अभी जब कोरोना काल में जो मंजू दीदी का हमने ये कार्यक्रम देखा तो भक्तांबर का हमने सोचा एक एक बच्चा अगर इसे एजुकेशन से अपनी मेमोरी और इसको कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा लेगा तो फिर तो हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं आभारी हूँ कि आप लोग हमें इस तरह का मार्गदर्शन देते रहे
यार हमें बताते नहीं इस तरह के कार्यक्रम। और बोरिए कोई, क्योंकि अभी मेरे तो 11:05 हो गए हैं और मुझे सुबह जल्दी जाना उठना भी है, तो अगर कोई और सॉरी लेट हो गए हम लोगों को 11 का प्रोग्राम का पता रहता था तो आज शायद 10 स्टार्ट हो गया, तो मैं तो अभी अपन इसका श्रेय जो ना अपर्णा को मिलता है, आई एम ग्रेटफुल टू हर, तो उसने चेंज किया है, नहीं तो बहुत लेट। तो और बोल कोई एनी अदर कमेंट? संजय बागरा जी मैं देख रहा हूँ नाम, अनुपम कई नाम देख रहे हैं, तो अगर किसी को कुछ नाम देख रहे दीदी यू आर म्यूटेड अंकल, इट वाज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, तो आई एम गोना लीव अंकल। यस सर, yes sir, we just want to close this with a small bhajan, and I would like sir Daksha Ben to give healing. Daksha Ben bhale hi education mein utna nahi hai, par ye jitna upasgrah hai, jitne sant hote hain unko healing dete hain, aur itne logon ko inhone cancer theek kiya hai, itne kam se kam 33 covid patient ko theek kiya hai. तो आई वुड लाइक दक्षा बहन आप अनम्यूट करें अपने आप को और एक थोड़ा सा हीलिंग सेशन सर को दिखाएं आप अपना। मैं विल स्टे अनदर 5 minutes, ओके, क्योंकि मुझे बहुत सुबह जल्दी बहुत उठना है। जय जिनेन्द्र अंकल जी। जय जन, जय जन। इधर तो बहुत संस्कार है, सूरत में तो पूरा मारा साहब, मारा साहब गुजरात में तो जैन का बहुत फर्क होता है इधर तो, और पाठशाला भी बहुत चलती है, 100 बच्चे आते हैं इधर, बड़े भी जाते हैं बहुत, इधर तो फर्क ही फर्क है। लेकिन अमुक गुजरात में तो बहुत है, लेकिन अलग अलग जगह पे बहुत जरूरत है जैन की, ये कोई समझता ही नहीं है जैन क्या है, जैन को क्या खाना चाहिए क्या नहीं, ये बहुत तकलीफ है, हमारे जैन लोग में भी बहुत तकलीफ